जगदम्बिका पाल जी, संजय प्रताप जायसवाल जी, अनिरुद्ध त्रिपाठी जी, माया देवी जी, अंबिका सिंह जी, बसंत चौधरी जी, भाइयों बहनों, बुजुर्गों, कांग्रेस पार्टी, यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई के हमारे सब कार्यकर्ता, आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत। दूर दूर से आप आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हजूर साहब का जन्मदिन है, बरवफात के लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई। हमारे सामने चुनाव है और चुनाव फैसला करेगा आपके भविष्य के लिए। पांच साल उत्तर प्रदेश में क्या होगा चुनाव बताएगा। 2004 में मैं राजनीति में आया और जब हम वो चुनाव लड़ रहे थे, हमने आम आदमी की सरकार की बात की। 20-25 वायदे नहीं किए हमने, हमने आपसे कहा देखिए नियत हमारी साफ है, आम आदमी की सरकार बनेगी, गरीबों की बनेगी, पिछड़ों की बनेगी, दलितों, आदिवासियों, हर धर्म की, हिंदू की, मुसलमान की, सिख की, सबकी सरकार बनेगी। और जो भी ये सरकार करेगी गरीबों की सोच के करेगी। सिर्फ एक बात कही थी हमने आपसे, हमने सिर्फ एक बात कही कि दिल से काम करेंगे। मनमोहन सिंह जी दिल से काम करेंगे, सोनिया जी दिल से काम करेंगी, और दिल्ली में जो सरकार बनेगी आपको विकास में शामिल करने की कोशिश करेगी। बाकी पार्टियां खड़ी थी, उन्होंने भी वायदे किए। नियत की बात नहीं की, दिल की बात नहीं की, 20-25 वायदे किए कि हम भैया ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये कर देंगे। एनडीए के लोगों ने एक नारा निकाला, इंडिया शाइनिंग का, किसी को याद है ये नारा? इसका मतलब क्या, क्या नाम है आपका? भारत चमकेगा। हाँ, क्या मतलब इस नारे का, क्या मतलब होता है? भारत चमकेगा। नहीं, भारत चमक रहा है। अगर भारत चमकेगा कहते तो वो ठीक बात थी, उसमें कोई कमी नहीं थी, मगर उन्होंने कहा कि भारत चमक रहा है। बहुत फर्क है इन दो चीजों में, फर्क है या नहीं? एक का मतलब है कि भैया अभी चमक रहा है, दूसरा का मतलब है कि हम इसको चमका देंगे। उन्होंने पहली बात की, कहा कि भैया हिंदुस्तान चमक रहा है। उनके नेता से पूछा, प्रेस वालों ने पूछा, भैया ये आपने क्या कहा, नारा ये कहां से मिला, अंग्रेजी में नारा दे दिया आपने, कहां से निकाला इसको? कोई बता सकता है उनके सबसे बड़े नेता ने क्या कहा? हाँ बताइए, जोर से बोलो। हाँ, आप बहुत जानकारी बहुत है, टीवी में देख के बोला। एक रात वो टीवी देख रहे थे, इश्तेहार आया सूट का, सूट के इश्तेहार पे एक व्यक्ति खड़ा था, सूट पहना था, चमकता हुआ सूट था। दूसरे व्यक्ति ने उनका सूट ऐसे छुआ और कहता है इंडिया शाइनिंग, हिंदुस्तान चमक रहा है। और इनके सबसे बड़े नेता जो सालों से राजनीति कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि मुझे लगा कि ये बहुत अच्छा नारा है, इसको हम पूरे हिंदुस्तान में चलाएंगे। अब देखो, मैं 2004 का उदाहरण क्यों दे रहा हूं। 5 साल राज किया,
गांव में नहीं आए, सड़कों पे नहीं चले, किसान से पूछा नहीं, मजदूर से पूछा नहीं और कह दिया भैया हिंदुस्तान चमक रहा है। अब आप देखो यहां पे बड़ी जनसभा है, हजारों लोग खड़े हैं। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, 2004 में हिंदुस्तान चमक रहा था, आपके घर चमक रहे थे? नहीं। हाँ या नहीं? नहीं। अब देखो अगर वो यहां आ जाते और ऐसे भाषण में पूछ लेते भैया हिंदुस्तान चमक रहा है, जवाब मिल जाता नहीं भैया नहीं चमक रहा यहां पे। मगर वो नहीं आए, प्रेस वालों से बात की, घर में टीवी देखा और कह दिया भैया चमक रहा है। आपने जवाब दे दिया 2004 में भैया नहीं चमक रहा, हमें चाहिए आम आदमी की सरकार, हमें उन लोगों की सरकार चाहिए जो दिल से बात करते हैं, जो हमारी मुश्किलों को समझने की कोशिश करते हैं, जो हमारे बीच में आते हैं और हमारी सुन लेते हैं। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, पिछले 5 सालों में आपने मायावती जी को किसी एक गांव में झोपड़ी में देखा? एक बार देखा? मुलायम सिंह यादव जी को आपने कभी किसान का हाथ पकड़ते हुए देखा? तो मेरा आपसे सवाल है, क्या हमारे लोगों में, गरीब लोगों में कोई कमी है कि ये नेता आपके घर नहीं आ सकते, कि किसान से बात नहीं कर सकते? अगर बात करेंगे तो फिर सिर्फ टीवी से करेंगे, प्रेस वालों से बात करेंगे, कहेंगे भैया मैसेज भेजना है हिंदुस्तान को, इंटरव्यू दे देते हैं प्रेस वालों को या प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेंगे, मगर गांव में कभी नहीं जाएंगे, किसान के खेत में नहीं जाएंगे, हाथ नहीं पकड़ेंगे किसान का, उससे नहीं पूछेंगे भैया हाल क्या है आपका। 2004 में हमने सरकार बनाई, पहला काम क्या किया? आपके पास आए, आपसे पूछा भैया एक बात बताओ कमी क्या है, और आपने हमें बताया देखिए रोजगार की कमी है, गांव में रोजगार नहीं मिलता, ऐसी योजना बनाइए जिससे रोजगार गारंटी हो जाए। मनरेगा पैदा हुआ, हमने पैदा नहीं किया, हमने सिर्फ आपकी आवाज सुनी, आपके पास आए आपसे पूछा भैया बता दो क्या करा जा सकता है, आपकी सरकार है, आपने कहा करो, हमने करा। उसके बाद हम आए, किसान हाथ उठा के दिखाओ कितने किसान है यहां पे, सड़क पे किसान नहीं बैठे, सड़क पे कोई किसान नहीं है क्या? सब लोगों ने हाथ उठा लिए। हम आपके पास आए, आपसे पूछा भैया क्या कर सकते हैं हम, आपने हमें बताया देखिए बैंक के दरवाजे बंद हैं, इंदिरा जी ने बैंक को नेशनलाइज किया, हमें पैसे की जरूरत होती है, बैंक के लोग कहते हैं भैया आप पे कर्ज है, आप जाइए घर, आत्महत्या करनी है आत्महत्या कीजिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आप पे कर्ज है, बैंक के दरवाजे आपके लिए बंद है। आपने हमें बताया, हमने 7,000 करोड़ रुपए कर्जा माफ किया, बैंक के दरवाजे खोले, और जो यहां किसान सड़क पे किसान खड़े हैं उनको मालूम है कि हमने उनकी बात सुनी। क्यों सुन पाए? क्योंकि हम आपके पास आए, किसानों के पास गए, आपसे पूछा। मायावती जी खड़ी होती है, कहती है कांग्रेस पार्टी नाटक कर रहा है, कांग्रेस पार्टी नाटक कर रही है, मनरेगा से किसी को फायदा नहीं होगा। सच बात है, यूपी में किसी को फायदा नहीं हुआ, मगर आप जाइए आंध्रा जाइए, केरल जाइए, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, असम, जहां हमारी सरकारें हैं, छोटे से छोटे गांव में चले जाइए, पूछ लीजिए क्या फायदा हुआ, बता देंगे। अब अगर मायावती जी निकलती घर से और मनरेगा का जो कोई कार्य हो रहा होता उसको अपनी आंखों से देख लेती, उसको अपनी आंखों से देख लेती, किसी गांव में चले जाती और महिलाओं से पूछती भैया जॉब कार्ड मिला या नहीं, क्यों नहीं मिला,
तो मनरेगा से फायदा हो जाता, मगर वो निकली नहीं, घर में बैठी रही। मुलायम सिंह यादव जी आज बात कर रहे हैं वायदों की, बुंदेलखंड गए कहते हैं भैया हम बुंदेलखंड को इजराइल बना देंगे, मगर जब बुंदेलखंड के लोग रो रहे थे, जब सूखा पड़ा था और आप मुख्यमंत्री थे तो आपने क्या किया? अभी जब बुंदेलखंड के लोग रो रहे थे, मायावती जी के पास गए, मायावती जी ने क्या किया? कुछ नहीं। हम गए बुंदेलखंड के गांव में, गए उनका हाथ पकड़ा, प्रधानमंत्री के पास ले गए, पैकेज दिलवाया, 8,000 करोड़ रुपए दिलवाए। हुआ क्या? चोरी हो गया, किसानों को पैसा जाना था गायब हो गया, मंत्रियों को चला गया, ट्रैक्टर मिलने थे मंत्रियों के बच्चों को मिल गए। मायावती जी कहते हैं भैया कांग्रेस पार्टी नाटक कर रही, 1,000 करोड़ रुपए का नाटक था ये। चीफ मिनिस्टर का काम विकास का होता है, और विकास से भी ज्यादा सुनवाई का होता है। हमारे गांव के लोग जानते हैं कि जादू की छड़ी किसी के पास नहीं होती। जब भी मैं गांव में जाता हूं, जनता से बात करता हूं और उनसे कहता हूं भैया यूपी में हमारी सरकार नहीं है, दिल्ली में सरकार है, पैसा भेज सकते हैं, प्रोग्राम नहीं चला सकते, जनता मुझे पता है क्या कहती है? राहुल जी हम जानते हैं, हम जानते हैं कि आपके हाथ यहां बंधे हैं, मगर आपने इस गांव में आके, इस घर में आके हमारी बात सुनी और बात समझी। इसका मतलब ये बात आपके दिमाग में घुस गई। देखिए शक्ति आप में है, शक्ति हम में नहीं है। नेता आपके पास आते हैं कहते हैं भैया हम बदल देंगे, नेता कुछ नहीं बदल सकता, पॉलिटिकल पार्टी कुछ नहीं बदल सकती, यूपी के लोग बदल सकते हैं, यूपी का किसान बदल सकता है, यूपी का मजदूर बदल सकता है। यहां कमी क्या है? कमी यह है कि जो यहां हमारी बहनें बैठी हैं, इनमें जो ज्ञान है इसको आपके नेता समझते नहीं। जो किसान के पास ज्ञान है, जानकारी है, उसको आपके नेता ना सुनते हैं ना समझते हैं। जो अभी इन सड़कों पे लोग खड़े हुए हैं, जो लोग इस प्रदेश को हर रोज आगे बढ़ा रहे हैं, अपनी मेहनत से बढ़ा रहे हैं, अपने पसीने से बढ़ा रहे हैं, अपने खून से बढ़ा रहे हैं, इन लोगों की इज्जत नहीं करती आपकी सरकार। और जब तक उत्तर प्रदेश के हर व्यक्ति की इज्जत नहीं होगी, तब तक ये प्रदेश आगे नहीं बढ़ सकता, सवाल नहीं उठता। मैं यहां क्यों आया हूं? मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है, मेरे पास दो चीजें हैं। जो आप कह रहे हो मैं सुन सकता हूं, जो आपकी मुश्किलें हैं मैं वो समझ सकता हूं, और आपकी जो मुश्किलें हैं और जो आप कह रहे हो उसको मैं दिल्ली तक पहुंचा सकता हूं। मेरा आपसे कहना है कि देखो बाकी प्रदेश तेजी से आगे जा रहे हैं, इन महिलाओं के बच्चे महाराष्ट्र जाते हैं, कोई हरियाणा में जाके मजदूरी करता है, कोई दिल्ली में मेट्रो में काम करता है। मैं मिलता हूं उन बच्चों से, महाराष्ट्र में जाते हैं उनको वहां शिवसेना के लोग मारते हैं, पिटाई होती है उनकी। कुछ दिन पहले मैं बंबई गया, एक लड़के ने मेरा हाथ पकड़ा ऐसे रात का समय थे और मुझसे पूछता है राहुल जी एक बात बताओ, यहां मुझे इज्जत नहीं मिलती,
मुझे उत्तर प्रदेश में रोजगार कब मिलेगा, मुझे उत्तर प्रदेश में इज्जत कब मिलेगी बताओ। आपने 22 साल दिए इन लोगों को और चुनाव आया है, वायदे शुरू हो गए। बुंदेलखंड को हम इसराइल में बदल देंगे। अगर वो बुंदेलखंड गए होते और बुंदेलखंड के किसानों से बात की होती, मजदूरों से बात की होती, तो मजदूर उनको कहते, शायद कान में कहते, मुलायम सिंह यादव जी हमें इसराइल नहीं चाहिए, हमें बुंदेलखंड चाहिए, आप हमें बुंदेलखंड दे दीजिए, हमारे लोगों को शक्ति दे दीजिए, हमारे किसानों को खाद दे दीजिए, पानी दे दीजिए। और इसराइल के लोग कहेंगे हमें बुंदेलखंड चाहिए, मगर सुनते नहीं। आएंगे चुनाव के पहले आएंगे, कहेंगे भैया हम मुफ्त में बिजली दे देंगे। 22 साल से कारखाने नहीं बने, मुफ्त में बिजली कहां से आएगी? आसमान से टपकेगी क्या? मैं आपको 50 वायदे नहीं करूंगा, मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि जादू की छड़ी के साथ उत्तर प्रदेश बदला जा सकता है। मैं आपको सिर्फ अपना पसीना दे सकता हूं। मैं आपके साथ खड़ा हो सकता हूं और एक साथ हम ये लड़ाई लड़ सकते हैं, उत्तर प्रदेश की विकास की लड़ाई। मैं आपको ये कह सकता हूं कि आपने मुझे प्यार दिया है, आपने मुझे इज्जत दी है, इसके लिए इस बात को मैं कभी नहीं भूल सकता। और यही कारण है कि मैं आपके घरों में आता हूं, क्योंकि कर्ज है, मैं इस कर्ज को निभाना चाहता हूं। आपने मुझे प्यार दिया, इज्जत दी, जहां भी मैं जाता हूं, अभी रास्ते पे जीप में बीजेपी के लोग थे, कार्यकर्ता थे, और पीछे बैठा था व्यक्ति, बीजेपी का झंडा था, मगर उसने मुझे देखा और बहुत प्यार से नमस्ते किया और हाथ मिलाई। जहां भी मैं जाता हूं, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा, गांव में जाऊं, शहरों में जाऊं, सड़कों में जाऊं, मुझे आप सिर्फ प्यार देते हो। और जो मैं काम करता हूं, जो भी शक्ति मुझ में है, वो आपसे मिलती है, आपके प्यार से मिलती है। मेरे पास और कुछ नहीं है, आपकी इज्जत है, आपका जो थोड़ा सा भरोसा है वो है मेरे पास, और पसीना है, और मुझे और कुछ चाहिए भी नहीं। अब यूपी को बदलने का समय आ गया है, हजारों युवा यहां खड़े हैं, अब आप इसको बदलो। 5 साल कांग्रेस पार्टी को दो, लड़ जाओ और खड़ा कर दो इस प्रदेश को। हिंदुस्तान हिंदुस्तान का सबसे बड़ा प्रदेश है, और ये सिर्फ हिंदुस्तान को नहीं, पूरी दुनिया को रास्ता दिखा सकता है। एक दूसरे की इज्जत करो, जात को भूलो, धर्म को भूलो, आदमी को देखो और उसकी शक्ति पहचानो। जिस दिन हमने ये काम शुरू कर दिया उत्तर प्रदेश में, चमत्कार हो जाएगा यहां। और मैं जानता हूं कि यहां पे चुनाव में सोच बदल गई है, हम किसी से समझौता नहीं करने वाले, हम सिर्फ उत्तर प्रदेश की जनता से समझौता करेंगे।
ना हम चोरों से समझौता करेंगे, ना हम गुंडों से समझौता करेंगे, आपसे समझौता करेंगे। और देखो, आपने हमें 400 सीटें दी, 200 सीटें दी या 2 सीट दी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको यहीं मिलूंगा, गांव में मिलूंगा, इन सड़कों पे मिलूंगा, किसानों के साथ मिलूंगा, मजदूरों के साथ मिलूंगा, बुनकरों के साथ मिलूंगा, बुंदेलखंड में मिलूंगा, और जहां भी गरीब लोग हैं उनका हाथ पकड़ूंगा। मुझे लग जाए 5 साल लगे, 10 साल लगे, 15 लगे, 20 लगे, मैं उत्तर प्रदेश को यहां बदलने आया हूं और बदल के छोड़ूंगा। आप अपने आप में भरोसा करो, बहुत शक्ति है आप में। उत्तर प्रदेश अकेला 6 नंबर का देश है। अगर आप इसको देश देखें, सिर्फ 5 देश इससे बड़े, दुनिया में सिर्फ 5 देश हैं जो उत्तर प्रदेश से बड़े हैं। बहुत शक्ति है आप में, युवाओं में बहुत शक्ति है, बदल सकते हो, बदलो। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप दूर दूर से आए, सड़क पे आप खड़े हुए, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूं। आपका कीमती समय आपने मुझे दिया, धन्यवाद। जय हिंद।